हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, क्या है इस पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स, क्या है इस पर्सन के मन में चलता रहता आपको लेकर या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर, जो शायद ही अब ये पर्सन किसी से एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, लेकिन दिल में वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो यही सब चीज़ें आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू देख रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। उसके अलग काफ़ी लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि मैम आपने ये तो हमारी ही एनर्जीज़ बता दी। तो देखिए, मैं शुरुआत में हर रीडिंग से पहले यही बोलती हूँ कि एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो सकती हैं। कुछ पॉइंट पर आपको ऐसा लग सकता है कि यह आपकी एनर्जीज़ है, ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर आप परेशान मत हुआ कीजिएगा। तो ये आपसे कहना चाहूँगी मैं। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आपको अपना फोकस अपने पर्सन के ऊपर, उनके नाम के ऊपर ज़रूर से बनाए रखना है, ताकि आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएं। उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये आपके पर्सन की एनर्जीज नहीं है, तो ऐसा ही होगा। लेकिन उसके लिए बेकार के कमेंट्स नहीं करने हैं आपको, इस चीज़ के लिए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर क्या है इनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या है इस पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। देखिए, मुझे सबसे पहली चीज़ें ये दिख रही हैं कि आप लोगों के बीच में इस वक्त में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जैसे भी मुकाम इस वक्त में चल रहे हैं, ये पर्सन उस मुकाम में बहुत ज़्यादा पेशेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आप लोगों के बीच में जितनी दूरियां हैं, उन दूरियों को ये जितना ज़्यादा देख रहे हैं, उतना ज़्यादा अपने आप को संभालने की, अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अपने आप को इन हालातों में ढालने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, ये एनर्जीज़ दिख रही है। बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में ना इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप लोगों के रिश्ते में दिक्कत है लोगों के इन्फ्लुएंस की, जिन्होंने इस दूरियों को क्रिएट करा है, जिन्होंने इस दूरियों को या आप दोनों, ताकि एक दूसरे से अलग अलग रास्तों पे चलो, तो वो अलग अलग रास्ते बनाने वाले यहाँ पर कोई और मुझे दिख रहे हैं, ये एनर्जीज़ है, ठीक है, जिसमें आपको इनसे दूर धकेला गया है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि डीप इनसाइड ये पर्सन, देखो, आपको अपनी नज़रों में परफेक्ट तो मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं, जो इन्फ्लुएंस हैं, वो इस पर्सन को वो परफेक्ट मानने के लिए 100% सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि कुछ लोगों के धक्यानुसी इन्फ्लुएंस की वजह से ये पर्सन आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रखने लगे, और उस एक्सपेक्टेशंस के फुलफ़िल ना होने की वजह से इस रिश्ते में प्यार से रिलेटेड पैशन की जगह इस रिश्ते में ये आप लोगों के बीच में एग्रेशन आया है। एज एन आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ हुए हो, आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर गुस्सा आया है, स्पेशली इस पर्सन को की बात कर रहे हैं, तो इन लोगों, इनकी नज़रों में तो डेफिनेटली। और ये पर्सन उसी चीज़ को ना दिल से बिल्कुल लगा कर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं डीप इनसाइड इनके मन में आपको लेकर ये चीज़ें चलती हैं कि अब आप ना कहीं बहुत स्ट्रांग हो गए हो, यानी कि ये अपने आप को काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहे हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग
बन गए हो आप, उस नज़रों से देख रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि जो भी हालात चल रहे हैं उन हालातों में ये तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज़ की तरफ बढ़े हैं, या इनका जो वक्त है वो डिफ़िकल्टीज़ की तरफ, डर की तरफ बढ़ा है, लेकिन आप अपने आप को संभाल चुके हो, आप अपनी लाइफ से अब सेटिस्फाई हो, तो वो चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा डीप इनसाइड चलती हैं। यानी कि इनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं डीप इनसाइड कि आपने संभाल लिया, ये नहीं संभाल पाए लेकिन आपने अपने आप को संभाल लिया है, और वही चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हें आपकी तरफ ना आने के लिए फोर्स कर रही हैं, क्योंकि इनके मन में ये है कि अब आपको इनकी उस लेवल पर ज़रूरत नहीं है जिस लेवल पे कभी एक वक्त पे हुआ करती थी। और वही चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को जेलेसी फील कराती हैं, वही चीज़ें इस पर्सन के कॉन्फिडेंस को लो करती हैं, वो एनर्जीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। इनके मन में ये चीज़ें भी चलती हैं डीप इनसाइड कि आपकी लाइफ में काफ़ी सपोर्टिव लोग हैं, आपके परिवार वाले हो चाहे आपके दोस्त हो, लेकिन इनकी लाइफ में ऐसा कोई इन्हें नहीं मिला। ये अपने आप को इस मामले में काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करते हैं, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन ना आपकी तरफ, जैसे इनकी इच्छा भी होती है आपसे बात करने की, आपसे इनका खिंचाव भी होता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर इनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, इनकी सोच को आपसे दूर जाने के लिए फोर्स कर देती हैं, क्योंकि ये पर्सन उस पॉइंट पर अपने आप को इमोशनली लॉस हुआ हुआ फील करने लगते हैं। आप ये देखिएगा कि इनका मन आपकी तरफ बढ़ा और फिर इन्होंने अपने कदम जैसे खुद से पीछे हटा लिए। ये पर्सन ना आपको आज भी भूल नहीं पाए हैं, एज एन जितना भी आपने ने प्यार करा था, जो भी आपने इनके लिए करा था, वो चीज़ें इन्हें डेफिनेटली याद तो आती हैं, लेकिन जो अब ये इस रिश्ते को लेकर आपको लेकर होप खो चुके हैं ना, वो चीज़ें इन्हें दूर कर देती हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं एक डरी हुई एनर्जी में, एक एंजाइटी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिस रीज़न की वजह से चाहकर भी ये आपसे वॉकआउट कर रहे हैं या आपसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली अब ये आपकी वो इच्छाएँ, वो एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे जो आप इनसे चाह रहे हो। मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में किसी तरह की उथल पुथल चल रही हो, चाहे वो किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिम्मेदारियाँ हो, चाहे फिर वो इनका खुद का इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ हुआ फील करना हो। तो ये पर्सन इस वक्त में डीप इनसाइड काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ फील कर रहे हैं, उनमें उस डरी हुई एनर्जी में, जैसे कि चार लोगों के मामले में भी इन्हें डर लग रहा हो, तो वो भी एनर्जी है, यानी कि चार लोगों का भी इन्हें मन ही मन सता रहा हो कि वो लोग इनके बारे में क्या कह रहे होंगे और क्या नहीं कह रहे होंगे, तो वो चीज़ें भी इनके मन में डीप इनसाइड चलती हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी हालात चल रहे हैं वो हालातों में ये अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे कि ये इन हालातों से लड़ने की हिम्मत रखते हैं, ठीक है, रखते हैं या रखती हैं। जो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा नर्वस कर देती हैं, जो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं पब्लिकली बोलने में हिम्मत नहीं लाने देती हैं, क्योंकि वो चीज़ें ने ऐसा फील कराती है कि तुम किसी काम के नहीं रहे हो, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें ना इस पर्सन के माइंड पे बहुत ज़्यादा गहरा असर डाल रही हैं। मेंटली ये पर्सन जैसे अपने आप को बहुत ड्रेन हुआ हुआ फील कर रहे हैं, वो एनर्जीज़ है, इन्हें खुद जैसे क्लियरिटी नहीं हो रही हो कि मैं क्या चाहता हूँ या मुझे क्या पहले क्लियर करना चाहिए, तो वो इनके मन में काफ़ी ज़्यादा डीप इनसाइड चलता है। हालांकि आप लोगों के बीच में जितनी भी दूरियां हैं वो दूरियां इन्हें परेशान करती हैं, वो दूरियां इन्हें कहीं ना कहीं फोर्स करती हैं कि ये आपकी तरफ आए, यानी कि आप लोगों के बीच की दूरियां इनको आपकी तरफ खींचने के लिए मजबूर करती हैं, लेकिन ये पर्सन इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा मेंटली ट्रॉमा में मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिस रीज़न की वजह से ये अपनी ही फीलिंग्स से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को डेफिनेटली ज़रूरत है एक काउंसलिंग की, जो इन्हें कहीं ना कहीं गाइड करे कि तुम्हें कौन से स्टेप को पहले उठाना चाहिए या क्या तुम्हें पहले करना चाहिए, किन चीज़ों को पहले क्लियर करना चाहिए, तो वो भी है। बट ये पर्सन इस वक्त में मेंटली ट्रॉमा में इस कदर हैं कि ये अपनी लाइफ को बेटर बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, वो भी यहाँ पर है।
मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि इस पर्सन के मन में ना हर वक्त बहुत सारे सवाल चलते रहते हो, जैसे कि एक क्वेश्चन मार्क है जिससे ये निकल नहीं पा रहे हैं। जिन सवालों का जवाब इस पर्सन को नहीं मिल पा रहा है तो वो भी मुझे दिख रहा है, एज इन कि जैसे इनका खिंचाव, इनका लगाव आपकी तरफ है लेकिन फिर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ऐसा क्यों इनके साथ हो रहा है? आपने इतनी जल्दी अपने आप को कैसे संभाल लिया? आपका जो परसेप्शन है इनको लेकर वो कैसे बदल गया? एज इन इनके मन में जैसे कि इस कदर सवाल हो आपको लेकर कि शायद अब आपकी सोच इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा लो हो गई है, यानी कि अब आप इन्हें काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पे देख रहे हो और ये पर्सन उतनी उस लेवल पे आपकी नज़रों में अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। तो जिस रीज़न की वजह से भी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, अपने आप को इन्होंने पूरी तरह से आइसोलेट एनर्जी में पत्थर दिल बनाकर आपको दिखा रहे हो, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि ये आपकी नज़रों में अपने आप को ना दबा हुआ, झुका हुआ नहीं देख पा रहे हैं इस रीज़न की वजह से। ठीक है, यहाँ पर लेटर सी मुझे दिखाई दे रहा है, नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। और देखते हैं, ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, दाइए क्या है व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स, यूनिवर्स गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द सन, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स क्या है व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स, गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो एनर्जीज डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पर जो मेजरली एनर्जीज हैं वो है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष सिंह एंड धनु राशि, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि, ये भी एरीज और ये आपकी लियो की एनर्जी है। ठीक है, बाई चांस अगर आपकी एनर्जीज यहाँ पर नहीं आती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपकी रीडिंग नहीं है, अगर आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। यहाँ पर नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ भी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कैंडल वैक्स के थ्रू भी यही चीज़ें बताई कि काफ़ी लोगों का इन्फ्लुएंस मुझे आप लोगों के बीच में दिख रहा है, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो परिवार वाले ही क्यों ना हो, यानी कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स, अलग अलग ओपिनियन हर किसी का, जिस रीज़न की वजह से आप दोनों ने ये समझ लिया कि आप दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से डिफरेंट हो, और स्पेशली इस पर्सन ने ऐसा समझ लिया कि आप इनसे पूरी तरह से डिफरेंट हो, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ से भागे, वॉक अवे इन्होंने करा। कल भी ये आपकी लाइफ से भागे और आज भी कहीं ना कहीं ये पर्सन भाग ही रहे हैं आपकी लाइफ से, आपसे दूर। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, अब भागने की वजह यहाँ पर ये है कि अब आपको ये अपने आप से सुपीरियर लेवल पे देख रहे हैं, एज एन कि आपने अपना नज़रिया बदला, आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए हो, आपका जो भी परिवार है वो कहीं ना कहीं सपोर्टिव है, तो ये पर्सन आप में और अपने आप में काफ़ी डिफरेंसेस देख रहे हैं, जिसमें ये आपको एज अ सुपीरियर देख रहे हैं। जो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही हैं, जो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं आपके लिए रूड बनने के लिए या प्रैक्टिकल बनने के लिए या आपकी लाइफ से दबे पाँव जाने के लिए मजबूर कर रही हैं, फोर्स कर रही हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको एज अ सुपीरियर नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन हमेशा मैस्कुलिन एनर्जीज में रहना पसंद करते हैं, एज एन कि अगर आप दोनों रिश्ते में साथ में हो तो उसकी लीड ये लिए रहें और ये इस रिश्ते में जो भी डिसीजंस लें वो ये लें, ये आप पे कंट्रोल करें, ये आप पर हावी होकर रहें, तो वो चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें इन्हें आप में क्योंकि नहीं दिखाई दे रही है, इस रीज़न की वजह से दबे पाँव जाना, वॉक अवे करना सही रास्ता इस पर्सन को दिख रहा है, ये भी यहाँ पर है। इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं डीप इनसाइड कि आप जहाँ पर हो वहाँ खुश हो, सेटिस्फाई हो, ठीक है, और वो चीज़ें ने ऐसा इसीलिए लग रही हैं क्योंकि ये आप पर नज़रें गाड़े हुए बैठे हैं, एज एन आपके
खैर खबर, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उन सब पर जैसे इस पर्सन की निगाहें हो। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिवेट हो और आप कुछ ना कुछ स्टेटस डाल रहे हो, तो वो चीज़ें इनकी इस थॉट को और ज़्यादा क्लियर कर देती हैं, इनके दिमाग में उन चीज़ों को और क्लियर कर देती हैं जो इनके दिमाग में एक मेंटली ड्रेन का काम कर रही है, गुस्से का, डर का काम कर रही है, ये चीज़ें हैं। या फिर अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनके थ्रू इन्हें ये पता चल रहा है कि आप अपनी लाइफ में नॉर्मल हो, आगे बढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो वो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए क्लियर कर देती हैं कि इनके लिए यही बेहतर है कि ये जहाँ हैं, जहाँ भाग रहे हैं, ये वहीं पर भागें। यानी कि आप लोगों के रिश्ते में आग किसी ने लगाई है और उसको भड़काने का काम ये पर्सन खुद से कर रहे हैं, वो एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। जिसे सोच सोच कर ये पर्सन अपना खून जलाते रहते हैं, अपने आप को नेगेटिव करते रहते हैं या फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन आपको किसी ना किसी तरह से दिखती भी होगी, यहाँ पर इसकी भी पॉसिबिलिटी है। यानी कि ये पर्सन एक्चुअली में है तो परेशान है, तो डरे हुए, लेकिन ये अपनी फ्रस्ट्रेशंस के माध्यम से आपको बस अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, अपनी परेशानी या अपने मन में जो एक खालीपन, अकेलापन चल रहा है वो नहीं शो कर रहे हैं। लेकिन वो सब दिखाने का बेसिकली मोटिव यही है कि आप समझें कि ये कितने दर्द में, कितनी तकलीफों में हैं। चलिए इस पर्सन के मैसेजेस देखते हैं कि डीप इनसाइड ही आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड। तो देखिए, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन ये डरे हुए हैं, और डरे होने की वजह मैं आपको ऑलरेडी दोनों तरह से बता चुकी हूँ। ठीक है, आई फील लाइक यू हैव मूव ऑन फ्रॉम मी। तो ये भी मैंने आपको बताया कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, आगे बढ़ गए हो। तभी ये पर्सन जैसे आपके तरफ एक नई शुरुआत करने की सोचते भी हैं, फीलिंग्स जाहिर करने के बारे में ये सोचते भी हैं, या आपके लिए जो अट्रैक्शन इन्हें होता है उसे एक्सप्रेस करने के बारे में सोचते भी हैं, तो ये डर जाते हैं इस सोच के साथ कि अब आप दोनों पूरी तरह से चेंज हो गए हो, अब आपकी एक्सपेक्टेशंस इनसे और ज़्यादा हो गई हैं और इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे कुछ और हैं, अब आप इनसे इमोशनली डिटैच्ड हो गए हो, एज एन आप प्रैक्टिकल बन गए हो, तो ऐसा इनका अब डीप इनसाइड सोचना है। आई डू टॉक अबाउट यू, तो ये आपके बारे में डेफिनेटली बात करते हैं। अगर आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनसे, अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों यारों से ये आपके बारे में हमेशा बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि बात भी नहीं करते। अब इट डजंट फील राइट बींग अपार्ट फ्रॉम यू, तो बेसिकली आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, दूरियां हैं, वो इन्हें पसंद नहीं आ रही है। वो मैंने आपको कैंडल वैक्स के थ्रू भी बताया कि आप लोगों के बीच में जो भी दूरियां हैं ना, वो एक्चुअली में इनसे सही नहीं जा रही हैं, और ये आपसे यही कहना चाहते हैं। Even though we are not together, I just can't see myself letting you go. तो आपको जाते हुए ये नहीं देख पा रहे हैं, या इस सोच के साथ ये जैसे रह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ से ऑलरेडी चले गए हो, तो वो चीज़ें ने अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। I really hate not communicating as much as I want to. तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं डीप इनसाइड कि इन्हें बुरा लग रहा है जैसे कि आप लोगों के बीच में अब बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि ये आपसे ढेर सारी बात करना चाहते हैं, और ये भी हमने यही देखा कि बात तो करना चाहते हैं। Just say something to me. तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इनसे कुछ तो कहो, मतलब एज इन कि आपकी वाइब्रेशंस जानना चाह रहे हैं कि आपके दिल में अब क्या है इनके लिए, या आज भी क्या आप की नज़रों में ये इंसान परफेक्ट हैं जैसे कभी पहले हुआ करते थे। क्योंकि ये पर्सन आपकी नज़रों में ऐसे बनकर रहना चाहते हैं, एकदम स्ट्रांग पर्सनैलिटी, जिसके डर में, जिसके खौफ में आप रह सको, जिसके कंट्रोल में आप रह सको, तो ये आपसे ये पूछना चाहते हैं डीप इनसाइड, कहना चाहते हैं। आई डिडेंट मीन टू हर्ट यू, तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं डीप इनसाइड कि ये नहीं चाहते थे कि आपको हर्ट करें, और उसकी वजह ये है क्योंकि ये अब खुद हर्ट हो रहे हैं, खुद ये परेशान हो रहे हैं। आई बिलीव वी आर मीन्ट टू बी टुगेदर, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, मैं इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा या पा रही कि अब हम दोनों साथ में नहीं हैं, अब हम दोनों दूर दूर हो गए हैं, तो इन चीज़ों पर मुझे भरोसा ही नहीं हो पा रहा है, तो ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग कि क्या है आपके पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर, आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर, और आपको भी समझ में आया होगा कि कितनी ज़्यादा
उलझी हुई इनकी फीलिंग्स आई है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जाल जैसे कि आपके लिए बिछाना चाह रही हूँ ताकि आप इनके कंट्रोल में रहें, आप इनके मन मुताबिक चलें, और वो जाल इनके ही ऊपर आकर पड़ा है। कुछ इस तरह की वाइब्रेशन मुझे आज की इस रीडिंग में फ्रैंकली स्पीकिंग नज़र आई है, ठीक है। आपको क्या फीलिंग्स नज़र आई हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताइएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर जेन्युइनली यही लग रहा है कि कुछ चीज़ें इन्होंने आपके लिए बिछाई थी, लेकिन आपने क्योंकि अपने आप को बदल लिया, प्रैक्टिकल हो गए आप, एकदम इमोशनली लेवल से आपने अपने आप को बाहर खींच निकाला, तो वो चीज़ें इनके लिए एक नहले पे दहले के बराबर हो गई हैं। कुछ इस तरह की वाइब्रेशन मुझे आज की इस रीडिंग में आ रही है। तो ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, पसंद आती है तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय।